वो चन्नापुर नाम का गांव है। लॉकडाउन के कारण सब लोग अपने अपने घरों पर ही थे। एक दिन पत्नी अपने पति से, ओ जी घर पर चावल दाल सब खत्म हो गए जी, जरा बाहर जाकर ले आइए ना। पति परमेश, ठीक है, कहकर एक सुपरमार्केट गया। वो सब सामान खरीदने के बाद बिल काउंटर के पास उस सुपरमार्केट के ओनर से मिलकर, कितना हुआ है भाई? हाँ 1000 रुपए हुए हैं। क्या 1 किलो चावल दाल और गेहूं मिलाकर 1000 रुपए हुए हैं? हाँ, तो जानते हो कि भाव कैसे बढ़ाए? इस सुपरमार्केट को पूरे सैनिटाइज करने का चार्जेस कौन देगा? गांव में किराना लेकर आना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, वो तो दूर की बात है। कल आखिर ये किराना आएगा भी या नहीं पता नहीं, चाहो तो ले जाओ वरना नहीं। परमेश समझ नहीं पाया कि क्या करे और पैसे देकर किराना खरीद लिया। इस तरह वो मालिक सबको किराना ऊंचे दाम पर बेचने लगा। एक बार उस गांव का कलेक्टर आकर गांव के बड़ों से, देखिए ऐसी भयानक स्थिति में हमें और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण रूप में इस गांव से करीब 100 लीटर दूध आसपास के गांव को सप्लाई किया जाएगा, इसलिए हमारे गाय भैंस को सुरक्षित रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। गांव का एक बड़ा, श्रीमान आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन उन्हें कुछ हो गया तो उनकी चिकित्सा करने के लिए कोई वेटरनरी हॉस्पिटल भी यहाँ नहीं है। हाँ वो तो सही है, गाय भैंस की चिकित्सा के लिए मैं एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करता हूँ, उसकी मदद से शहर में वेटरनरी अस्पताल में चिकित्सा करवाया जा सकता है। यूं कहकर चला गया। इस तरह फिर गांव में गाय को भैंस को कोई भी समस्या आ पड़ती तो एयर एम्बुलेंस में ले जाकर शहर के वेटरनरी अस्पताल में चिकित्सा करवाते थे। एक बार अचानक सुपरमार्केट के मालिक को पेट दर्द होने लगा। हे भगवान पेट दर्द, हाय राम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ रे, यूं चिल्लाने लगा। ओ भाई क्या हुआ है? पता नहीं भाई, बहुत ज्यादा पेट में दर्द हो रहा है, मुझे तुरंत अस्पताल लेकर जाइए, हे भगवान, यूं पुकार रहा था वहीं खड़ा परमेश। अस्पताल? यहाँ कहाँ है भाई अस्पताल? पास वाले गांव में एक ही अस्पताल है, वो भी वेटरनिटी अस्पताल। कोई भी हो है तो अस्पताल ही है ना, पहले मुझे जल्दी लेकर जाइए। फिर वो एयर एम्बुलेंस में तुम बैठ पाओगे क्या? वाह अर्जेंट है, कुछ तो करो। इस तरह फिर परमेश सुपरमार्केट के मालिक को एयर एम्बुलेंस में बिठाकर वेटरनिटी अस्पताल में ले गया। वहाँ वेटरनरी अस्पताल में एक कंपाउंडर से मालिक, डॉक्टर जी पेट दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दवाई हो तो दीजिए ना। ओ जी ये जानवरों का अस्पताल है, कहाँ आकर क्या बात कर रहे हो? सर दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पहले कोई भी एक इंजेक्शन लगा दीजिए सर। परमेश तब कंपाउंडर से, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए, इसमें और भैंस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी चुबा दीजिए। कंपाउंडर क्या करे समझ नहीं पाया और ठीक है कहकर भैंस को लगाने वाला एक इंजेक्शन उसे लगा दिया। बस अब्बा कहकर जोर से चिल्लाया। कुछ देर बाद मालिक यूं कहने लगा, परमेश तब उसे देखकर, अच्छा हुआ देखा, मुश्किल घड़ी पर साथ रहने के बजाय लालच में पड़कर खुद की कब्र खुद ही खोद दिए। पीयूष नाम का व्यापारी एक जंगल में पेट्रोल बंक खोला। उस पेट्रोल बंक में जॉब है सोच के त्रिपाठी नाम का व्यक्ति एड्रेस लेकर आ रहा था। पेपर में दिए एड में मैप होने के वजह से उस मैप को देखकर जंगल में इधर उधर भटक रहा था। आखिर में वो उस पेट्रोल बंक में पहुंचा। पैदल चल चल के थक गया त्रिपाठी। पीयूष से, क्या है सर ये पेट्रोल बंक? बोले तो कोई सिटी में, टाउन में, नहीं तो छोटे से गांव में होगा सोचा। आप क्या सर इस घने जंगल में बंक बनाए, यहाँ पे आके पेट्रोल डीजल कौन डलवाएगा सर? ए तू काम करने के लिए आया या सवाल पूछने के लिए?
कोई भी धंधा खोलने से पहले मुनाफे के बारे में 2 साल पहले ही सोचना जरूरी है। इस आजू बाजू के हर गांव में पेट्रोल पंप बहुत हैं। उनके साथ अगर टक्कर लेंगे तो मुनाफा ज्यादा नहीं होगा। जल्दी ही इस जंगल को काट कर हाईटेक सिटी उसके बगल में एयरपोर्ट खोलने जा रहे हैं, कहकर मुझे MLA का PA ने बताया। इसलिए आगे की सोच रख के यहाँ पे पेट्रोल पंप डाला। वो काम अगर शुरू हुआ तो ट्रैक्स, क्रेन, कार, जीप, आखिर में हवाई जहाज तक हमारे ही पेट्रोल पंप में आएंगे। तब हमारा पेट्रोल पंप इस देश में ही नंबर 1 पेट्रोल पंप बनेगा। तब तक धंधे में नुकसान भी होगा तो चलेगा। सर, आप मामूली इंसान नहीं है सर, आप तो महान हैं। आपके पास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन तब तक मुझे तनख्वाह देंगे ना? तेरे तनख्वाह कहीं नहीं जाएगा। रोज इस बंक को ठीक से धोकर ठीक से साफ करना। मैं हर महीने में 1 बार चेक करने आऊंगा। संभाल कर रहना। डर के मारे त्रिपाठी, मतलब सर इस जंगल में मुझे अकेला रहना होगा? अकेला क्यों तू रहेगा, इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं, उनके साथ आराम से खेल कूद कर टाइम पास हो जाएगा, कहकर चला गया। तब त्रिपाठी, क्या हुआ? जंगल के जानवरों के साथ खेलना है, कूदना है तो टाइम पास होगा, पैसों के लिए आके यहाँ पे फंस गया। क्या करे, काम भी तो जरूरी है, सब मेरी फूटी किस्मत है, सोचा। 1 महीने के बाद पीयूष आया। क्यों रे, सब ठीक ठाक है ना? तुझे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तू इस जंगल में मस्त एंजॉय कर रहा है। एंजॉय क्या, मैं खाक करूंगा साहब। यहाँ पे रोज बाघ और शेर आकर पेट्रोल की खुशबू सूंघ कर यहाँ पे पिशाब करके जा रहे हैं। उन्हें देखकर मेरा भी पिशाब निकल रहा है। अरे वो देखिए, शेर आ रहा है। शेर को देखकर पीयूष कार के अंदर जाके बैठ गया। वैसे 1 साल बीत गया। एक बार पीयूष उदास होकर पेट्रोल पंप में आया। तब पीयूष त्रिपाठी से, सब कुछ खत्म हो गया रे, वो पीए मेरे पास 10 लाख हड़प के झूठा इन्फॉर्मेशन दिया। यहाँ पे कोई IT पार्क, एयरपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं खुल रहे। मेरे पास जितना भी पैसे थे वो सब इस पेट्रोल पंप में डाल दिया। अब इसे खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा। अब मैं और मेरा परिवार सड़क पे आ जाएंगे। त्रिपाठी को पीयूष को देखकर बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत दिनों से एक ख्याल था, पेट्रोल डीजल का हम होम डिलीवरी कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग उनके बाइक कार में अचानक पेट्रोल खत्म हो जाने के वजह से परेशान होते हैं। वैसे लोगों को वो जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे जाके पेट्रोल डीजल मार सकते हैं। इसके लिए ज्यादा पैसा खर्चा भी नहीं होगा। मुझे एक रिक्शा, एक ड्रम खरीद के दे दीजिए बस। पीयूष को आइडिया पसंद आया। अगले दिन से त्रिपाठी पेट्रोल पंप से उस रिक्शा में जो ड्रम है उसमें पेट्रोल डाला। आजू बाजू के गाँव में जाकर, पेट्रोल बाबू पेट्रोल, आप लोगों को पेट्रोल के लिए ज्यादा दूर जाने की कोई जरूरी नहीं है। आपके घर पे आके पेट्रोल मार के आप जहाँ पे हैं वहीं पे आके पेट्रोल मारेंगे। मिलावट कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी ज्यादा नहीं लेंगे। बहुत लोगों को वो आइडिया पसंद आकर बाइक्स में, कार्स में पेट्रोल डालना शुरू किए। जल्दी पीयूष एक ऐप तैयार किया। लोग उस ऐप में अपना लोकेशन डालते ही बस वो जाके उनके रहे जगह पे जाके पेट्रोल डीजल मारा करता था। कुछ दिनों में ही पीयूष का व्यापार बहुत बढ़ गया, मुनाफा भी आने लगा। एक दिन पीयूष त्रिपाठी से, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मैं अपने मुनाफे में से 20% तुम्हें दूंगा। त्रिपाठी बहुत खुश हुआ। वो एक बहुत मशहूर जादूगर है, उसका नाम है आनंद। एक बार आनंद एक गांव में काले रंग के हैंड ग्लव्स पहनकर, आइए भाई आइए, इस आनंद का जादू देखिए, कहते हुए एक साइकिल को स्कूटर में बदल दिया, बड़े हाथी को एक बिल्ली में बदल दिया। बस वहां मौजूद सारे लोग तालियां मारने लगे। फिर उन्हें वापस साइकिल और हाथी में भी बदल दिया। फिर उन हैंड ग्लव्स को निकाला, वो देखकर जयदेव, अरे वाह, यानी उसका वो सारा जादू उन हैंड ग्लोव्स में ही छुपा है। सोचकर उस रात आनंद के घर आकर वो हैंड ग्लोव्स को चुरा लिया।
अगले दिन आनंद अपने हैंड ग्लव्स को बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलने से वो अपने असिस्टेंट को बुलाकर, अरे मेरे हैंड ग्लव्स देखे हो क्या? मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं भैया, मैंने नहीं देखा है। यानी मेरा हैंड ग्लव्स किसी ने चुरा लिया है। अरे तो आप कैसे भैया? कुछ फिकर करने की जरूरत नहीं है, वो मामूली हैंड ग्लव्स नहीं है, माया हैंड ग्लव्स हैं। उसे जो भी पहनेगा उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो अलग अलग तरीकों से उन्हें बहुत सताएगी। अगले दिन जयदेव वो हैंड ग्लव्स को पहना। आहा, कितने अच्छे हैं ये हैंड ग्लव्स, अब से मैं भी एक जादूगर की तरह मायावी मंत्र कर सकता हूँ, सोचा। ओम भीम फट। तो कुछ नहीं हुआ। फिर से ओम भीम फट फट। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओम भीम फट फट फट। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये क्या, इसे तो कुछ नहीं हो रहा है। छी, ये कोई मामूली हैंड ग्लव्स लगता है। यूं सोचकर ग्लव्स निकाल रहा था तो बहुत कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल रहे थे। हे भगवान, ये निकल क्यों नहीं रहे, कहकर और जोर से कोशिश किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगले दिन जयदेव उस गली में जब जा रहा था तो एक मोटी औरत झाड़ू लगा रही थी और जयदेव बिना जाने उसकी चोटी जोर से खींच लिया। बस वो बहुत गुस्से से, क्या रे इतनी हिम्मत कि मेरे बाल खींचोगे, कहते हुए उसे पीटी। जयदेव वहां से भाग निकला और बाप रे, ये क्या, बिना मेरे सहमति के ये खुद ही उसकी चोटी खींच रही, यूं सोचा। जयदेव फिर से उन हैंड ग्लव्स को निकालने की बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं निकला। अब ऐसे नहीं काम चलेगा, सोचकर जयदेव एक पहलवान के पास गया। श्रीमान पहलवान जी, आपको 1000 रुपए दूंगा, इन हैंड ग्लव्स को मेरे हाथों से निकालिए। क्यों रे, तेरे तो हाथ अच्छे ही है ना, मैं ही मिला हूँ क्या, जाओ जाओ। इतने में वो हैंड ग्लव्स उस पहलवान के सर पर एक मुक्का मारी। पहलवान को गुस्सा आया और क्यों रे, मुझे ही मारोगे, कहते हुए उसके पीछे पड़ गया। किसी भी तरह उससे बचकर जयदेव, बाप रे मुझे नहीं होगा, मुझे इनसे किसी भी तरह छुटकारा पाना होगा, कहते हुए फिर से उन हैंड ग्लव्स को निकालने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो फिर भी नहीं निकला। हाँ वैसे मैंने ये हैंड ग्लव्स चुराया क्यों था, उस मैजिशियन की तरह मैं भी मैजिक करूँगा सोचकर ही ना। सोचकर अगले दिन आबरा कडाबरा कहते हुए एक स्कूटर को साइकिल में बदल दिया। फिर वहाँ खड़े लोग तालियां मारे। अब देखिए, इस साइकिल को मैं फिर से स्कूटर में बदल दूंगा, कहकर आबरा कडाबरा। फिर कुछ नहीं हुआ। फिर से आबरा कडाबरा। फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओए, मेरे स्कूटर को साइकिल में बदल दिया, अभी फिर से मुझे मेरा स्कूटर चाहिए। हाँ, कर रहा हूँ, कहकर आबरा कडाबरा, स्कूटर में बदलो। बहुत कोशिश करने पर भी वो नहीं बदला तो वहाँ मौजूद लोग उसे खूब पीटे। बाप रे, ये क्या है, ये मामूली हैंड ग्लव्स नहीं है, मैजिकल हैंड ग्लव्स से लगता है, ये फिर से वो आनंद जी को ही दे देता हूँ। सोचकर उस रात बिना किसी को नजर आए आनंद के घर जाकर हैंड ग्लव्स निकाला तो तुरंत निकल गए। इतनी बार कोशिश किया तो एक बार भी नहीं निकला और यहाँ तो इतनी आसानी से निकल गया। कुछ भी हो, जादूगर ही जादूगर होता है, सोचकर वहाँ से निकल गया।